हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल होप एवरीथिंग गुड गाइस। सो आज मैं लेकर आई हूँ साड़ी हॉल जो मैंने अमेज़ॉन से ली है। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लिंक्स के लिए प्लीज़ क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड जितने भी साड़ीज़ है वो ऑर्गेन्जा साड़ीज़ है। लाइक स्पेशली मैं हॉल बना रही हूँ ऑर्गेन्जा साड़ी हॉल। एंड बहुत ही अफोर्डेबल है गाइज, लाइक 1289 रुपीज़ की साड़ीज़ है। प्लस आपको उसके साथ अनस्टिच ब्लाउज मटेरियल भी मिल रहा है। सो आगे हॉल में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर से बताएं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट साड़ी ये मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल कलर पिक करा है जिसपे आपको ब्राउन से ऑरेंज कॉम्बिनेशन मिल रहा है। एंड ये मेरा फेवरेट है इस हॉल में गाइज, इसलिए मैंने इसे फर्स्ट पे आपको दिखाया। इस पर मैंने खुद का क्रॉप टॉप वेयर करा क्योंकि ऑब्वियसली मैंने ब्लाउज स्टिच नहीं कराया है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल ऑरेंज एंड ब्राउन कॉम्बिनेशन की ये साड़ी है। प्योर ऑर्गेन्जा फैब्रिक विथ हैंडवर्क विथ ब्यूटीफुल लेस। एंड इसका जो ब्लाउज का मटेरियल है वो बैंगलोरी सिल्क है। उस पर भी अनस्टिच ब्लाउज आपको मिल रहा है गाइज। सो कुछ इस तरीके से ये साड़ी लगती है। आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा शीन है, लाइक ऑर्गेन्जा शीन साड़ी। एंड इस पे पूरे ऑल ओवर साड़ी पे फ्लावर्स बने हुए हैं जिसपे ग्रीन एंड ऑरेंज का वर्क करा हुआ है। नीचे को अगर आप देखोगे तो बहुत ही पतली सी लेसेस लाइक इस तरीके से दी हुई है। सेम आपको नीचे को भी मिल रही है एंड पल्ला में भी मिल रही है। तो इस साड़ी की बेस्ट चीज़ मुझे लगी, यहाँ से अगर आप देखोगे जहाँ से प्लीट्स बनती है तो फ्लावर्स में ना एक मोती का वर्क करा हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा शीन है। लाइक जब आप पहनोगे तो फुल पार्टी वेयर लुक आपको मिलेगी पहनने के बाद। एंड इसका ब्लाउज़ ये बेंगलोरी सिल्क है, कुछ इतना है 0.80 मीटर, लाइक 1 मीटर से कम ब्लाउज़ का कपड़ा है। एंड स्लीव्स पे आपको ऐसे बॉर्डर भी मिल रहे हैं जो साड़ी के नीचे को मिल रही है। सो इस पर आपको इनर लाइनिंग लेकर खुद से बनाना है। और जब इनर लाइनिंग लेकर आप बनाओगे तो काफ़ी अच्छी लाइक जो इतनी ट्रांसपेरेंट लग रही है वो नहीं लगेगी, काफ़ी अच्छी लगेगी। कॉम्बिनेशन ब्राउन एंड ऑरेंज का ग्रीन का बहुत बढ़िया है जिसको मैंने ऑब्वियसली ग्रीन नेकलेस के साथ स्टाइल करा है क्योंकि इस पर और ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी दिया हुआ है। पूरी 5 मीटर की साड़ी है। पल्ला मैंने थोड़ा छोटा रखा है, आप चाहो तो पल्ला बड़ा रख सकते हो। मुझे थोड़ा शूट करने में अनकम्फर्ट होता है पल्ला, इसलिए मैंने इस तरीके से रखा है। तो पूरी अगर आप साड़ी देखोगे तो यहाँ पे भी मैं बहुत ही क्लोजली आपको दिखा रही हूँ कि ऑरेंज और जो ग्रीन का कॉम्बिनेशन दिया। और नीचे को देखोगे जो भी फ्लावर्स बने हैं उस पर पाइपिंग बनी हुई है। और प्लस जो पल्ला है उस पर भी पूरी पाइपिंग मोती लगी हुई है। सो काफ़ी शीन लग रही है यहाँ पे। देखो जो इतनी स्पेशली मुझे इसका पल्ला बहुत पसंद आया क्योंकि इससे बहुत बड़े बड़े से 3D काइंड ऑफ फ्लावर्स बने हुए हैं। और लाइक मुझे लगा था कि मैं ऑर्गेन्जा साड़ी नहीं संभाल पाऊंगी गाइज, बट मैंने बहुत ही ईजिली इसे हैंडल कर लिया। लाइक मैं कहीं भी पहनकर जा सकती हूँ, घूम सकती हूँ, फिर सकती हूँ। बस आपको पहनने के वक्त थोड़ा सा सिफ्टी पिन वगैरह अच्छे से करना है, पिनअप अच्छे से कर लो, देन आप आराम से कोई भी पार्टी को रॉक कर सकते हो। इतना हल्का पुल्का साड़ी है। सो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी। प्राइस एंड सब कुछ बहुत बढ़िया है। बस इसका तो ब्लाउज़ में अगर जो मटेरियल है बेंगलोरी सिल्क वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अप टू मार्क नहीं है, बट साड़ी बहुत ब्यूटीफुल है। सो अगर आपके पास कुछ ऐसा क्रॉप टॉप है तो उस तरीके से भी आप स्टाइल कर सकते हैं। और इनर लाइनिंग के साथ अगर ब्लाउज स्टिच कराओगे तो वो भी अच्छी लगेगी। सो मैं इसे हाईली रिकमेंड। नेक्स्ट साड़ी मैंने ये पर्पल एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में साड़ी पिक करा है। बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है गाइज, लाइक पर्पल में पूरा फ्लावर्स बने हुए हैं, डार्क पर्पल एंड पिंक कलर की। एंड पूरी साड़ी पे बॉर्डर दी हुई है ब्लैक एंड गोल्डन की। तो आप इसे ब्लैक या गोल्डन ज्वेलरीज के साथ स्टाइल कर सकते हो। क्रॉप टॉप मैंने खुद का पहना है क्योंकि मैंने ब्लाउज स्टिच नहीं कराया है। सो प्योर ऑर्गेन्जा साड़ी है, टिशू सिल्क फैब्रिक मेंशन करा हुआ है। बहुत ही ईजिली आप हैंडल कर सकते हो। एंड उसका 5.5 मीटर्स की साड़ी है और 80 सेंटीमीटर आपको ब्लाउज मिल रही है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल शीन वाले जो आपको मैं बहुत ही क्लोजली दिखा रही हूँ। पूरा शीन चमक वाला साड़ी है जो एकदम टिशू फैब्रिक लाइक देखने पे लगेगा कि आप मैनेज नहीं कर सकते हो, बट अगर अच्छे से पिन वगैरह लगा के आप पहनोगे तो आप इजीली हैंडल कर सकते हो। सो इस पूरी साड़ी में आपको सिप या जर्कन का कहीं पे भी वर्क नहीं करा हुआ है क्योंकि इसकी जो बॉर्डर है वो काफ़ी हाईलाइटेड है, लाइक गोल्डन कलर है, इसलिए वर्क इस पर नहीं करा हुआ है। बहुत ही बड़े बड़े से 3D फ्लावर्स बने हुए हैं। मुझे पर्सनली ये कलर भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसका प्राइस और भी कम है, लाइक 1181 रुपीज़ है। और पूरे पल्ला में अच्छे तरीके से बड़े बड़े फ्लावर्स बने हैं। और इसका जो ब्लाउज़ का मटेरियल है वो जॉर्जेट है। कुछ इस तरीके से पूरा सीक्वेंस का ब्लाउज़ आपको मिल रहा है जिस पे इनर लाइनिंग डालकर आप स्टिच ऑब्वियसली कराओगे तो और बढ़िया लगेगा। बहुत अच्छी क्वालिटी की ये नहीं है ब्लाउज़, लाइक जो सीक्वेंस का वर्क है, बट हाँ बनने के बाद काफ़ी अच्छी लगेगी। या फिर आप कोई भी ब्लैक क्रॉप टॉप में से वेयर करोगे या गोल्डन ब्लाउज में तो भी ये बहुत प्यारी लगेगी। आपको कैसी लगी आप कॉमेंट में बताओ। और बहुत ही क्लोजली मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि जो पल्ला है इसका कितना ब्यूटीफुली डिज़ाइन करा हुआ है। सो मैं इसे भी रिकमेंड करूँगी। इस पर एक और कलर ऑप्शन है, वो भी आप लिंक पर जाके चेक कर सकते हैं। और मुझे ये कलर लाइक मैं बहुत कम पहनी हूँ तो मुझे ये कलर बहुत अच्छी लग रही है। और 5.5 इसकी साड़ी का जो है लेंथ है गाइस, तो आपके ऊपर है आप पल्ला जितना बड़ा रखना चाहते हो। मैं थोड़ा सा छोटा ही रखती हूँ क्योंकि मुझे शूट करना पड़ता है दैट्स व्हाई। नेक्स्ट साड़ी, ये बहुत ही कलरफुल साड़ी मैंने पिक करा है और ये टोटली डिफरेंट डिज़ाइन एंड कलर है गाइज। मैं यहाँ पे कोशिश करी हूँ कि मैं आपको ऑर्गेन्जा में डिफरेंट पैटर्न दिखाऊँ। तो बहुत ही कलरफुल साड़ी लाइक रेनबो काइंड ऑफ कलर है इसकी। 1289 रुपीज़ प्राइस है। 5.5 मीटर साड़ी है, 0.80 मीटर ब्लाउज है इसका। सो यहाँ पर मैंने पल्ला थोड़ा छोटा रखा है क्योंकि प्लीट्स ज़्यादा बनाए हैं। आप प्लीट्स कम करके पल्ला बड़ा कर सकते हो। पूरा साड़ी का जो मटेरियल है पूरा ही आपको 5 मीटर का मिल रहा है। शाइन आप देख सकते हो साड़ी में बहुत ब्यूटीफुल है। इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी डिफरेंट है। मैं इसके डिज़ाइन की फ़ैन हो गई। मुझे ये सेकंड में बहुत ज़्यादा पसंद आया। फर्स्ट में मैंने आपको दिखाई, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इस पर कलरफुल इयररिंग्स, कलरफुल बैंगल्स डालोगे तो और बढ़िया लगेगा। प्योर ऑर्गेन्जा साड़ी है और संभालना सब बिल्कुल बराबर है। लाइक जितने भी साड़ीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ईजिली कैरी कर सकते हो, इतना लाइट वेटेड है। एंड ऊपर नीचे दोनों तरफ आपको ये छोटे छोटे जो लेस लगे हुए वो ब्लू कलर के मिल रही है, पल्ला पे भी मिल रही है। और इस पर एक खास बात मुझे ये लगी, बहुत ही बड़े बड़े फ्लावर्स आंचल पे दिए हुए कुछ ऐसे। एंड जितने बड़े फ्लावर्स है उसके पूरे आउटर लाइन पे एक मोती का वर्क करा हुआ है, तो इतना सुंदर लग रहा है पहनने के बाद। सो इसका ब्लाउज का मटेरियल बेंगलोरी सिल्क है और कुछ ऐसा मटेरियल है जो मैं बहुत ही क्लोजली दिखा रही हूँ। इनर लाइनिंग के साथ बनाओगे तो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगी। कॉटन का इनर लाइनिंग डलवाना गाइस तो ही कंफर्टेबल होगी। और जो बॉर्डर की लाइन पे आपको मिल रही है वही स्लीव्स पे भी आपको लगाने को ब्लाउज पे मिल रही है। सो इसको भी मैंने अपने क्रॉप टॉप के साथ वेयर करा है जो शीन से, उसका लिंक नहीं दे पाऊंगी। और पहनने के बाद ये साड़ी कुछ ऐसी लग रही है। सो मैं इसे भी हाईली रिकमेंड करूँगी। लाइक 1289 रुपीज़ के हिसाब से बहुत ही अच्छी डील है। और आप देख सकते हो लाइक जो नीचे को मोतियाँ दी हुई है ना वो कैसी लग रही है पहनने के बाद, बहुत ब्यूटीफुल है गाइस। आप चाहो तो कोई भी कलरफुल क्रॉप टॉप के साथ स्टाइल कर सकते हो। मेरे पास अभी करेंटली अवेलेबल नहीं थी कोई और कलर, तो मैंने ब्लैक के साथ आपको दिखाया है। और आप अगर मुझे इंस्टा पे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है गाइस कि मैं टूर पे गई हुई थी और जस्ट मैं लौटी हूँ, ये शूट कर रही हूँ। सो वैसे ही थक के बहुत बुरा हाल है, तो इसलिए मैंने ब्लाउजेस ज़्यादा आपको चेंज करके नहीं दिखाया। बट आप अपने अकॉर्डिंग से स्टाइल कर सकते हो। कैसी लगी कॉमेंट में ज़रूर से बताना। नेक्स्ट मैंने ग्रीन, ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन में ये साड़ी पिक करा है और ये भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर है गाइस। लाइक सारे कलर्स जो है ना, पैटर्न सब बहुत ही डिफरेंट और बहुत बढ़िया है। लाइक आपको इतने कलर ऑप्शंस मिलेंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो कुछ इस तरीके से ये लग रही है। 5.5 मीटर की साड़ी है एंड ब्लाउज़ आपको 0.80 मीटर डिस्क्रिप्शन में जो मैंशन है वही है कि 1 मीटर से कम का ब्लाउज़ है जो आप आराम से एक शॉर्ट स्लीव ब्लाउज़ या 3/4 बना सकते हो। सो कुछ इस तरीके से लाइट सी ग्रीन में आपको डार्क कॉम्बिनेशन नीचे को मिल रही है, लाइक डुअल शेड एंड उस पर फ्लावर्स मिल रहे हैं और नीचे को रेड बॉर्डर मिल रही है। तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लगा, पूरा शीन वाला। लाइक प्योर ऑर्गेन्जा साड़ी है और बेस्ट चीज़ मुझे इसके लगी कि आप इसे लाइक इतना डिफरेंट कलर है कि जो रेड फ्लावर्स है उसको आप रेड ब्लाउज़ के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, इन केस अगर आपको ब्लाउज स्टिच नहीं कराना है। एंड फ्लावर्स पे आप देख सकते हो कि आउटर लाइन पे लाइक ऐसी मोती का वर्क करा हुआ है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है पहनने के बाद। ब्लाउज़ का कपड़ा कुछ इतना है, रेड बॉर्डर आपको मिल रही है। स्लीव्स पे जो लाइक नीचे साड़ी को आएगी वही आपको स्लीव्स पे भी आ जाएगी। सेम मटेरियल है ब्लाउज़ का। तो आप ब्लाउज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया फ्रेंकली, बट इनर लाइनिंग के साथ स्टिच कराने के बाद उतना ज़्यादा आपको ख़राब मटेरियल नहीं लगेगा। कॉटन मटेरियल डालोगे इनर लाइनिंग पे तो कंफर्टेबल भी उतनी लगेगी। सो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना गाइस कि कौन सी कलर आपको पसंद आ रही है। मैंने एक ही तरह की साड़ीज़ आपको दिखाई हैं डिफरेंट लाइक फ्लावर्स एंड पैटर्न में। बहुत ही ज़्यादा इन है ऑर्गेन्जा साड़ीज़, इस वजह से मैंने ये पिक करा है। आपको कैसी लगी आप मुझे बताओ। एंड यहाँ पे भी मैं आपको बहुत ही क्लोजअप दिखा रही हूँ कि लाइक पहनने के बाद ये कैसी लुक देती है, किस तरीके से लगती है। और शूट के वजह से मैंने बहुत अच्छे से नहीं पहना है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती, पूरे 6 दिन की छुट्टियाँ करके मैं वापस आई हूँ। नाते के साथ मैंने ये शूट शुरू कर दिया, फिर भी मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करा है। यहाँ पे आपको ब्लैक क्रॉप टॉप के साथ स्टाइल करा है जो शीन से है, इसका लिंक मैं नहीं दे पाऊँगी। बट आपको ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे क्रॉप टॉप्स मिल जाएंगे मिंत्रा या अमेज़ॉन पे। ये कलर जब मुझे रिसीव हुई थी तो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, बट पहनने के बाद ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और फ्यूचर में मैं इसे रेड ब्लाउज़ के साथ पक्का स्टाइल करने वाली हूँ। सो कमेंट ज़रूर से करना गाइस कि आपको कौन सी कलर पसंद आई। लास्ट साड़ी मैंने ये ऑरेंज कॉम्बिनेशन पिक करा है जिसपे ब्राउन वर्क करा हुआ है, तो ये साड़ी बहुत हद तक आपको सिमिलर लगेगी फर्स्ट साड़ी से, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट सेम है और डिज़ाइन डिफरेंट है और प्राइस भी आपको सेम मिल रहा है। बट ये सेम इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने इसे सेम ब्लाउज़ के साथ स्टाइल करा है, सेम क्रॉप टॉप के साथ जो शीन से है। इसका लिंक मैं नहीं दे पाऊँगी, इसका भी प्राइस 1289 रुपीज़ है और 5 मीटर की पूरी साड़ी मिल रही है। 0.80 मीटर की आपको लाइक 1 मीटर से कम का ब्लाउज़ मिल रहा है। पैटर्न सबका सेम है गाइस, प्राइस भी ऑलमोस्ट सब सेम है। एंड मैंने इसे स्टाइल करा वाइट इयररिंग्स के साथ और डिफरेंट लुक देने के लिए, और पूरी शीन लाइक मटेरियल है, प्योर ऑर्गेन्जा फैब्रिक जिसपे आपको ये साड़ी पे छोटे छोटे से लाइक बहुत बड़े वाले फ्लावर्स नहीं बने हुए हैं। नीचे और ऊपर को इस तरीके से आपको बॉर्डर भी मिल रही है। ये बॉर्डर ब्राउन कलर की है क्योंकि प्रिंट आपको ब्राउन ऑरेंज में ब्राउन का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। इस साड़ी की जो बेस्ट थिंग मुझे आपको लगी है वो नीचे प्लीट्स पे जो मोती का वर्क करा हुआ है, पूरे पल्ला पे जो फ्लावर्स पे एक फ्लावर्स पे मोती का वर्क करा हुआ है, तो ये और ज़्यादा एक्सपेंसिव बना रही है। ब्लाउज का कपड़ा कुछ इतना है, मटेरियल आप देख सकते हैं बेंगलोरी सिल्क मटेरियल है एंड इस पर भी आपको सेम ब्राउन बॉर्डर मिल रहा है। जो अगर आप स्टिच कराओगे तो आपको स्लीव्स पे ये वाली आने वाली। कॉटन इनर लाइनिंग ज़रूर से डलाना अगर आप ब्लाउज स्टिच करा रहे हो, तो ही कंफर्टेबल होगी और काफ़ी अच्छी लगेगी। सो आपको कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ अपना जो भी कलर फेवरेट है ना वो कमेंट में बताना। मुझे तो फर्स्ट वाली बहुत अच्छी लगी, थर्ड वाली भी अच्छी लगी, पर्पल भी बहुत अच्छी लगी। और इसका कॉम्बिनेशन थोड़ा डिफरेंट है, लाइक कलर ऑरेंज पे ही ऑरेंज दिया हुआ है, ब्राउन दिया हुआ है, इसलिए आपको बहुत ये खिलकर नज़र नहीं आ रहा होगा। एंड सेम जरकन देख सकते हो, फ्लावर्स पे जो वर्क करा हुआ है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। सो आज का हॉल आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं। पसंद आए तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो, लाइक करो एंड कॉमेंट करो। और मैं घूम कर लाइक वन वीक के लिए गई थी, घूम कर मैं वापस आ गई हूँ। अब रेगुलरली वीडियो जो है वो आने वाली है अपने टाइम से। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो गाइज, वहाँ पे आपको काफ़ी अपडेट मेरी देखने को मिलेगी। सो बहुत जल्द मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे गाइज, बाय।